डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। महोदय, हमारे राष्ट्रपति ने इस सम्मेलन को भेजे गए अपने संदेश में कहा है कि उन्हें इसके आयोजन पर बड़ी प्रसन्नता है। मैं उस संदेश का अंतिम पैराग्राफ पढ़ रही हूँ। राष्ट्रपति ने कहा है, हम आज अपने समाज को नया रूप देने के काम में लगे हैं। सरकार को आर्थिक विकास के क्षेत्र में प्रमुख योगदान देना होगा। अपेक्षाकृत उसे कमजोर वर्गों के लोगों की रक्षा करने तथा सामाजिक न्याय से संयुक्त आर्थिक प्रगति के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए सामंजस्य रखकर काम करना होगा। हम जो कुछ भी करें, वह संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के दायरे में किया जाना चाहिए। संविधान में यह निर्दिष्ट है कि समाज के साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण ऐसे ढंग से होना चाहिए जिससे सभी का हित हो, और आर्थिक प्रणाली ऐसे ढंग से काम न करे कि धन और उत्पादन के संसाधनों का केंद्रीकरण होने लगे जिससे सामान्य हित को हानि पहुंचे। पैराग्राफ चेंज। सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगी कि इस प्रयास के लिए मैं अपना आशीर्वाद देती हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि यह कदम उठाया गया है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है और ऐसे सम्मेलन बार बार होने चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र से संबद्ध विभिन्न श्रेणी के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि वे मिल बैठकर विचार करें और स्पष्ट समझे समझाएं कि हमारा इस घोषणा से क्या अभिप्राय है, कि हम समाजवाद चाहते हैं तथा इसे लाने के लिए अपने ठोस सुझाव दे। कुछ सुझाव आए भी हैं। आप जैसे जैसे किसी समस्या पर गहराई से विचार करते हैं, वैसे वैसे आप प्रगति करते जाते हैं और अन्य अनेक सुझाव सामने आते जाते हैं। मैं समझती हूँ कि यह सत्य है कि हमने सार्वजनिक क्षेत्र का निर्माण बहुत अच्छे इरादे से आरंभ किया था और सार्वजनिक क्षेत्र ने काफी कुछ उपलब्ध भी किया है। फिर भी हमने कुल मिलाकर उसका निर्माण पुराने तत्कालीन निजी क्षेत्र के नमूने पर किया था। इसके कारण उसके विकास में बाधा पड़ी है, नए विचारों का मार्ग अवरुद्ध हुआ है, नए अन्वेषणों की भावना विकसित नहीं हो पाई है और लगातार परिवर्तन व प्रगति की प्रेरणा काम नहीं कर सकती है। जिसके बिना इससे इस बदलते विश्व के साथ कदम मिलाकर चल सकना संभव नहीं है। अभी अभी कहा गया कि अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने हैं। यह एकदम सही है, लेकिन प्रत्येक निर्णय के पीछे मुट्ठी भर लोगों के प्रति नहीं, बल्कि इतनी व्यापक जनता की भलाई के लिए प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि उस निर्णय को प्रभावशाली रूप में कार्यान्वित किया जा सके। उसे सही ढंग के साधनों और संगठनों का भी सहारा मिलना चाहिए। हमारे यहाँ उन सब का अभाव है, फिर भी यहाँ भावात्मक प्रतिबद्धता बहुत पाई जाती है, लेकिन वह शायद ऐसा नहीं है जो समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सक्षम है। उसके लिए इच्छा और भावना तो पाई जाती है
और मैं समझती हूँ कि हमें कोशिश करके सही ढंग की प्रतिबद्धता अपनानी चाहिए। समाप्त।